महाराष्ट्र के लोगों को लंबे समय से एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल महाराष्ट्र में काफी लंबे समय से एक ही इलाके में अलग अलग बैंकों के खुलने का समय भी अलग अलग था, जिससे कि महाराष्ट्र के लोगों को कई असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। बैंक कंपनियां बिना लोगों की समस्या को समझे अपनी खुद की समय सारणी का पालन कर रही थीं। जब लोग इस समस्या से तंग आ गए तो बैंकों की टाइमिंग बदलने के लिए लोगों ने कई धरने किए, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में सभी सरकारी बैंकों के खुलने का समय बदल दिया गया है। जी हाँ, इसके साथ महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर बैंकों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि इस बदलाव के तहत बैंकों की एक समान टाइमिंग का नियम 1 नवंबर से लागू होगा। इस नए नियम के तहत महाराष्ट्र में सभी सरकारी बैंक एक समय से खुलेंगे और बंद होंगे। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंकों के समय में यह बदलाव स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने किया है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन ने बैंकों के समय में एक रूपता लाने के लिए निर्देश दिया था। वित्त मंत्रालय की बैठक में तय किया गया था कि बैंकों में कामकाज ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से होना चाहिए और इसी वजह से बैंकों की खुलने के समय में बदलाव को मंजूरी दी गई। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही ढेर सारी खबरें देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।